दादाजी हम लल्लन बोल रहे हैं। बच्चा कौन बोल रहा है? वर्दी और डंडा हमारे पास भी है, लेकिन लोग हमें कुछ समझते ही नहीं। अरे हम पूरी रात जगते हैं, तभी तो ये बिल्डिंगों के लोग सो पाते हैं। वहाँ गांव में तुम्हारी बीवी माँ के इलाज के लिए, तुम्हारे बच्चे की फीस के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रही है, और तुम यहाँ दारू कटक के ज्ञान बांट रहे हो। ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। क्यों? गांव में सरोजा नाम की लड़की से प्यार करते। बिल्कुल उसी से विवाह होगा आपका, और दो संतान के भी योग है। हर भाषा हर प्रांत के लोग हैं यहाँ पर, ये सब मिलकर एक सुर में आ जाए ना तो पूरे विश्व पर भारी पड़ जाए ये भारत। किसकी शादी? सरोजा दीदी की शादी। मैंने तो पहले तो बोल दिया था तेरे को, आपने दिल की बात बता दी उसको। देखो जब तक तुम्हारी सरोजा से बात नहीं हो जाती, तुम वहाँ की स्थिति के बारे में नहीं जान सकते हो। हम पे क्या बीत रही है, हमारी उलझन क्या है, उसे फिलहाल हम अकेले निपट सकते हैं, उसकी चिंता तुम ना करो। सरोजा के पिताजी को 2,00,000 रुपए दे रहा है वो। बिल्कुल गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। ये शादी भले ही हम पिताजी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जिंदा नहीं रहेंगे। ललन, हम किशन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू जदीद से भी जदीद तक, तू कदीम से भी कदीम है। तू रहीम है,